वेलकम टू बिग एसआरबी प्रोडक्शन टू आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ काजीरंगा के सामने काजीरंगा से आपका 10 मिनट का लगेगा। यह है गार्डन, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आज गार्डन। तो गार्डन में क्या क्या होगा तो चलिए देखता हूँ। मैं भी पहली बार आया हुआ है इस शहर में, तो मैं भी मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, तो चलिए एक साथ हम लोग देखता हो ये गार्डन। यहाँ पे सुना है बहुत अच्छा है, तो सुन के मैं आ गया देखने के लिए। तो चलिए देखिए आप लोग सामने बहुत ही सारा दुकानदार है, और दुकान में बहुत ही अच्छी अच्छी बेम्बो और पेड़ से बनाया हुआ चीज़ें मिलता है, और ट्रेडिशनल ड्रेस मिलता है यहाँ। रावा खरवी हासंग सबका बोडो सबका मिला जाता है। तो ये देखिए आप लोग, यह है बम्बू से बनाया हुआ और पेड़ से बनाया हुआ, और यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस, तो यहाँ पे सब ट्रेडिशनल ड्रेस मिलता है। तो यह है गार्डन का गेट, इतने अच्छे इतने खूबसूरत गार्डन का गेट बम्बू से बनाया हुआ। तो यहाँ का नज़ारा आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यह है गेट, और गेट के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। तो वो जो आदमी खड़ा हुआ है वो एक्चुअली टिकट लेता है, तो टिकट का कीमत है एक आदमी का 100 रुपया। तो एक आदमी का 100 रुपया टिकट लिया जाता है, तो इसलिए एक आदमी गेट पर खड़ा हुआ है। तो वो अभी टिकट लेगा, और हम लोग दे दिया उनको टिकट दे दिया और अंदर घुस के आया। तो अंदर का नज़ारा आप लोग मजा लीजिए। तो दोस्तों हम लोग अंदर आके देखा, यहाँ पे देखिए फूल, बहुत सारा फूल देखा। यहाँ पे मिलता है पैर और बहुत सारा फूल। दोस्तों हम लोग अभी काजीरंगा में गार्डन गार्डन देखने के लिए आए हैं। यहाँ देखिए गार्डन का सौ रुपया एक आदमी का 100 रुपया। तो चलिए आप लोग बने रहिए, आज का ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा गार्डन। एक्चुअली दोस्तों इसमें आपका सब जाति का ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सब जाति का ट्रेडिशनल चीज़ मिलेगा, और पुराना वाला चीज़ यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। तो चलिए अभी इस कौन सा मैंने कास्ट करो बोल कौन सा कास्ट मतलब यूज करता है ज्यादातर कर्बी ट्राई कर्बी कर्बी
हरित टाइप के, मतलब कुछ ना कुछ चीजों को यहाँ पे रखा गया है हमारे खाने के लिए। ये है स्लीपर्स पुराने जमाने का, ये तो कार्बी लोगों का पूजा करने वाला मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे ना पूर्व जमाने का बहुत ही मंदिर बनाया, जो पूर्व जमाने का मंदिर है उसका जो फिक्सर है वो सब सारा फिक्सर यहाँ पे रखा गया। ऑल आसाम का, ऑल आसाम में जितने भी मंदिर है, पुराना वाला मंदिर है, सब का फिक्सर यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे नाम लिखा है, फिक्सर का नाम किस जगह का है, कहाँ का है, सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों वही देख रहा था हम लोग, तो आप लोग भी बने रखिए वीडियो अंत तक। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखा गया है, आप लोग भी देखिए और एंजॉय लीजिए। ये जो लास्ट में मैम ने बोल दिया कि आगे देखिए, आगे भी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो उस मैम ने हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या नहीं मिलता है, सब कुछ। मतलब हम लोगों को बोल दिया कि मैम को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद हम लोगों को समझा देने के लिए। तो बहुत ही थैंक यू मेरे तरफ से। और आप लोग बने रखिए वीडियो अंत तक, यहाँ पे देखिए गार्डन और बहुत ही चीज़ देखने के लिए मिलेगा, देखते रहिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है नर्सरी, तो इस नर्सरी से आप लोग फूल फूल खरीद के लेके जा सकता है, यहाँ पे खरीद भी सकता है, बहुत ही अच्छा अच्छा फूल है यहाँ पे। और दोस्तों जो लाइटिंग जला हुआ है ना, और यहाँ पे मंच है एक, तो इस मंच पे मतलब प्रोग्राम हुआ था, हम लोग जब आया था तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, तो प्रोग्राम ख़त्म होके अभी शेयर वायर ऐसे जमा कर रहा था और सफाई कर रहा था। यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल का प्रोग्राम होता है, जैसे कि बैसागु एंड कार्बी का कार्बी डांस एंड रावा का रावा डांस, ऐसे मतलब ट्रेडिशनल यहाँ पे प्रोग्राम होता है, किया जाता है, जैसे कि ग्रुप में किया जाता है दोस्तों। तो हम जब आया था प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ आगे क्या है, आप लोग बने रखिए। और दोस्तों अभी अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, नीचे मतलब पहाड़ में ही है, तो पहाड़ के नीचे अभी क्या क्या है आप लोगों को दिखाऊंगी। यह देखिए बहुत ही खूबसूरत है, तो हर आदमी आके यहाँ पे यहाँ का मज़ा ले सकता है और देख सकता है, इंजॉय कर सकता है। आप लोग भी आना ज़रूर, जब भी काजीरंगा आएगा तो गार्डन देखना ना भूले, गार्डन देख के जाना। तो अभी मैं एक्चुअली दलांग के ऊपर जा रही हूँ, वो भी बहुत रिक्सी है, तो ये दलांग कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे बना के रखा है, फिर भी मैंने उसके ऊपर आया, बहुत रिक्सी है। दोस्तों को भी मैंने बुलाया है आने के लिए, तो दोस्त ने आने के लिए बहुत डर डर लग रहा है उसको, तो
और भी है तो देखने के लिए आ सकता हूँ। उसको बुलाने के बाद में भी मुझे भी डर लग रहा था। आ जाओ ऐसे मेरे तरह। फिर भी धीरे धीरे से मैं चला आया पार होके और पार किया। पार करने के बाद उसके बाद मैंने नज़ारा देखा, ऊपर देखा तो ट्री हाउस पेड़ के ऊपर में घर बना के रखा गया है। अच्छे से आराम से बैठ के यहाँ पे बातें कर सकता है और आदमी लोगों को बैठने के लिए सीट बना के रखा गया है। आदमी लोग यहाँ आराम से बैठ के ये देखिए ये सीट है तो इस सीट में बैठ के आराम से बातें कर सकता है। तो और भी है तो आपको दिखाऊंगे मैं और भी आगे। तो मैं देख रहा है ट्री हाउस वहाँ पे था। मैंने एक्चुअली आप लोगों को दिखा नहीं पाया तो इसलिए सॉरी, क्योंकि मेरा एक्चुअली मोबाइल का ना चार्ज ख़त्म हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गया था, इसलिए दिखा नहीं पाया। इसलिए मैं आगे चला आया और फूल के सामने आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी से आया क्योंकि मेरा बैटरी ख़त्म था। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। तो जय हिंद जय भारत।